और इसका ऑडियो रिलीज नई दिल्ली में किया गया। ये हमारा गोल्डन जुबली 50वीं साल की सेलिब्रेशन है और खुशी ये भी है कि ये परंपरा HMV और RK फिल्म्स की इतने सालों से कायम रही है और कायम रहे। और हमारी नई भेंट है आ अब लौट चले, जो मेरे भाई साहब ऋषि कपूर उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म में मुख्य कलाकार हैं अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय। हालांकि एक निर्देशक के रूप में ऋषि की यह पहली प्रस्तुति है, लेकिन वो उस इमेज से बखूबी परिचित हैं जो आर.के. बैनर ने बनाई है। राज साहब के साथ तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ काम करते हुए मुझे उनकी कमी महसूस नहीं हुई। शंकर जयकिशन, रविंद्र जैन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद HMV और RK फिल्म्स की इस प्रस्तुति के लिए संगीत तैयार कर रही है नदीम श्रवण की जोड़ी। RK बैनर का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो RK बैनर ने जो एक अपना म्यूजिक का जो एक इतिहास बनाया है और एक म्यूजिकल फिल्म जो वो बनाते हैं, हमेशा म्यूजिक को ही उन्होंने प्रधान, म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसीलिए इस फिल्म का म्यूजिक भी हमने RK बैनर की इमेज को ध्यान में रखते हुए कंपोज किया है। RK फिल्म्स की हर फिल्म से नायिका की एक अलग छवि उभर कर आती है। ऐश्वर्या राय भी इस तथ्य से वाकिफ हैं और आश्वस्त भी। इस फिल्म का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं सोचती कि फिल्म में मेरे कितने दृश्य हैं। मैं फिल्म के ताने बाने का हिस्सा बनना चाहती हूँ, उसे संवारना चाहती हूँ।